हेलो फ्रेंड्स, कुमुदनी की वेज सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही रसीली और मज़ेदार स्ट्रॉबेरी की जूस बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही मीठा और खट्टा चटपटा लगेगा। ऐसे आप कभी भी मिल्क शेक बना के पियेंगे ना स्ट्रॉबेरी का, तो बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ, अभी मौसम है ठंड का, विंटर का, इस समय स्ट्रॉबेरी बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाती है। तो मैंने कुछ स्ट्रॉबेरी ले ली है, धोकर मैंने पहले उसको सुखा लिया था। तो इस तरीके से ऊपर के जो उसके पत्ते हैं ना, उसको काट के निकाल लूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान रेसिपी है, और जिनको भी स्ट्रॉबेरी पसंद है ना, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इस तरीके से अगर मिल्क शेक में स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना के खाया है आपने, पिया है, तो मुझे बताइए। अगर नहीं खाया पिया है तो कब बनाने वाला है वो बताइए। फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, एकदम रसीली लाल लाल ये स्ट्रॉबेरी दिख रही है ना, और इसको पहले से हमने खाया भी था, बहुत ही खट्टी मीठी है। और बहुत अभी मौसम है ठंड का, सब जगह मिल रहा है स्ट्रॉबेरी, आप इस तरह से जरूर बना के खाइए, देखिए कितना ये टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, तो देखिए पूरी रसीली रसीली स्ट्रॉबेरी है, काटने पे ही इसका लाल लाल रस निकल रहा है, और कटिंग करने के बाद देखिए कितना सुंदर ये दिख रहा है। फ्रेंड्स, देख के मन में और मन कर रहा है कि कब बनाओ कब खाऊं। तो सच बता रही फ्रेंड्स, इस तरह से बनाइए, हमारे घर में हर लोगों ने खाया पिया, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको दिखा रही हूँ कि एकदम आसान तरीका है। फ्रेंड्स, तो इस मिक्सर में डाल दिया, और जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से, स्वाद के हिसाब से आप चीनी या शक्कर बोलिए, या फिर गुड़ भी इसमें डाल सकते हैं कटिंग कटिंग करके, अगर आपको चीनी नहीं पसंद है तो। तो देखिए मैंने इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया, और थोड़ा सा अलग बर्तन में इस तरीके से निकाल के रख दिया है। फ्रेंड्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक गिलास लगभग दूध डाल देंगे। अगर आपको एक गिलास पसंद ज़्यादा बनाना है तो और ज़्यादा दूध डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें एक गिलास दूध डाल दिया है लगभग, और इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, ये गाढ़ा मिल्क शेक तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो मैंने इस तरह से एक गिलास ले लिया है, गिलास के अंदर ये मिल्क शेक हम डाल देंगे। देखिए एकदम गाढ़ा मिल्क शेक तैयार हो चुका है, और साथ में जो मैंने थोड़ा सा बचाया था ना अलग से, उसको डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से डाल दिया है, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम 2 चम्मच ये वनीला आइसक्रीम डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है इस स्ट्रॉबेरी का, इस तरीके से फ्लेवर इतना टेस्टी है ना, मैं बता नहीं सकती। आप बनाइए और खाइए, मैं तो यही बोलूँगी। अगर आप उसके अंदर आइसक्रीम नहीं डालना चाहें तो बर्फ़ के टुकड़े डाल सकते हैं, और अच्छा लगता है। और थोड़ा सा उसके ऊपर मैंने ये स्ट्रॉबेरी फिर से चुबा दी है, और देखिए थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी को मैंने इस तरीके से बीच में से कट मारा है, और कट मार के इस तरीके से सजा रही हूँ ग्लास के साथ में, क्योंकि देखने में सुंदर लगता है ना, तो खाने में तो और मज़ेदार लगता है। फ्रेंड्स, तो देखिए मैं इस तरीके से एक पीस लगा चुकी हूँ ग्लास के ऊपर, और ये दूसरा पीस लगा रही हूँ। कभी भी सुबह में या फिर शाम को आप अपने बच्चों को इस तरह से बना के देंगे ना, ठंडियों में तो इस तरह बना के खा लीजिए, मैं तो यही बोलूँगी, बहुत ही टेस्टी बना था। और मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि इतना अच्छा बना है तो ज़रूर बना के खिलाइए, इजी है, बहुत आसान रेसिपी है। चीनी नहीं खिलाना चाहते हो तो गुड़ खिलाइए, लेकिन बनाइए और खाइए, और मेरे बोलने से ज़रूर बना के खाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये एकदम सुंदर सा रेसिपी तैयार है, एक जूस मेरा तैयार है, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बोल सकते हैं। तो आइए इसको पीकर दिखाती हूँ मैं, कितना सुंदर ये दिख रहा है ना। देखिए मैंने इसमें से 1 चम्मच निकाला और खाया, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए।